तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक एडीओ, जिसका पूरा नाम है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट यूनिट 5 का टॉपिक है। एडीओ का यूज़ किया जाता है विजुअल बेसिक 6 में डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर हमको करना है तो हमें एडीओ कंट्रोल का यूज़ करना होगा, और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसको हम देखेंगे। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक ओपन करता हूँ यहाँ पर। विजुअल बेसिक में आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी तक जो भी कंट्रोल हमने पढ़े हैं वो इसमें एडीओ कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर कोई एडीओ कंट्रोल नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ एमएस एक्सेस की, एक्सेस आप लोग पढ़े हैं, एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाया जाता है, तो मैं पहले डेटाबेस बना लेता हूँ फिर उससे कनेक्टिविटी की जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में जाएंगे, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये एक्सेल की तरह इसमें डेटा बनाया जाता है, बट ये थोड़ा सिक्योर रहता है और इसमें क्वेरीज भी आसानी से चला सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा ब्लैंक डेटाबेस, और मेरा डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपना डेटाबेस डेस्कटॉप में रखूँगा DCA नाम से। अब यहाँ पर एक स्टेप आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको जो ये लेना है इसका टाइप, यहाँ पर जो आप इसका टाइप सेलेक्ट करते हैं ये ACCDB ना हो करके आप ये MDB वाला फॉर्मेट लेंगे, क्योंकि जो हम अभी कनेक्टिविटी देख रहे हैं जिसका ड्राइवर हमारे पास उपलब्ध है वो 2003 या MDB से कनेक्टिविटी करेगा। तो आपको यहाँ पर चेंज करना ज़रूरी है, उससे भी होता है कनेक्टिविटी बट उसका ड्राइवर अभी हमारे पास नहीं है, तो MDB यहाँ पर ले लेंगे। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, बार बार मैं बता रहा हूँ। अगर आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये वाला लेना भूल गए, क्योंकि इसमें 15-20 अलग अलग स्टेप हैं और सबको लाइन से करना है, किसी भी एक स्टेप में आपने गलती की तो अगले स्टेप को आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो MDB आपको लेना है और आप डेस्कटॉप में स्टोर करेंगे DCA नाम से, DCA.MDB आ जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा DCAMDB, और इसको क्रिएट कर देते हैं। ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप डेस्कटॉप में देखेंगे तो आपको DCA.MDB नाम से फाइल मिल जाएगी। इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक डेटाबेस आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ भी टेबल नहीं है और यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। तो अभी हमने देखा डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और डेटाबेस बनाने के बाद हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में आएगा टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा रोल नंबर, नेम और एज। अब बना सकते हैं, ये अपने पहले पढ़ चुका है डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, डू यू वॉन्ट टू सेव द डिज़ाइन ऑफ टेबल 1। तो आपको यहाँ पे यस में क्लिक करना है। मैं टेबल का नाम लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट। ये पूछ रहा है आपको प्राइमरी की असाइन करनी है, यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है आपको असाइन करनी है, हम नो कर देंगे, हमें कोई प्राइमरी की असाइन नहीं करनी है। यहाँ पर एक टेबल बन गया स्टूडेंट नाम का, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना हुआ है, और हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने पर यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, हम इसमें कुछ डेटा दे देते हैं 101 संगम,
121 102 दीपांशी 20 103 क्या नाम, ये हमने तीन डेटा इसमें दे दिया, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। जैन भी आ गया है अभी, तो हमने यहाँ पर देखा ये हमने अभी तक जो देखा वो ये था। विजुअल बेसिक में अभी हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया डीसीए नाम से, डीसीए पे हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट नाम से और यहाँ पर हमने डेटा को रख दिया। हम एक टेबल और बनाते हैं ताकि हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। मैं यहाँ पर एक टेबल और बना लेता हूँ, स्टूडेंट के नाम से बनाया हमने, टीचर नाम से बनाते हैं, टी नेम, डेटा को हमें सेव करना है, नाम रखेंगे टीचर टेबल, प्राइमरी की को नो करना है। दो टेबल बन गए, तो टीचर टेबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर टीचर का आईडी रख लेते हैं 1001। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी हमने वीवी में कुछ नहीं किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक डेटाबेस बनाया है, इसका नाम है dca.mdb, mdb होना ज़रूरी है। ये डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस को जब हम ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पर दो टेबल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दो टेबल है, स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसमें तीन कॉलम है या फील्ड हैं, उसमें तीन रिकॉर्ड हैं, वैसे ही टीचर में भी तीन है। इस डेटा को आप याद रख लेना क्योंकि ये काम आएगा, अभी हम आगे देखेंगे तो यही डेटा के साथ काम करेंगे, इसी के साथ कनेक्टिविटी करनी है। आप ये याद रखिए, संगम, दीपांशी, रानी और रमेश, मुकेश, मोहन, टीचर और स्टूडेंट, ये हमारा डेटाबेस का काम था। हम इसको बंद करते हैं। ये जो डेटाबेस है इससे हमें कनेक्ट करना है विजुअल बेसिक में, तो यहाँ पर हमको वो संगम रानी वाला डिटेल आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ADO। हमने अभी जो डेटाबेस बनाया उस डेटाबेस को हम अपने विजुअल बेसिक के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, उसके लिए यूज करेंगे ADO। अब हमारा ADO का प्रोसीजर चालू होता है, तो ADO का प्रोसीजर चालू करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर ADO नहीं है तो यहाँ पर ADO ऐड करना होगा। ADO ऐड करने का सेम वही प्रोसीजर है, प्रोजेक्ट में जाओगे आप, कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट सेलेक्ट करना होगा, उस कंपोनेंट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, आपको जानना है माइक्रोसॉफ्ट, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा कंट्रोल और माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये दोनों कंट्रोल्स को सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा कंट्रोल और माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा ग्रिड कंट्रोल, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। क्लियर है, इन दोनों के नाम आपको दिख जाएंगे। अप्लाई करते हैं, यहाँ पर दो कंट्रोल्स आ गए हैं। ये जो कंट्रोल है इसका नाम है ADO, अब देख रहे हैं इसका नाम है ADO, और ये जो कंट्रोल है इसका नाम है डेटा ग्रिड। मैं ADO कंट्रोल को यहाँ पे बना लेता हूँ और डेटा ग्रिड को यहाँ पे बना देते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने दो कंट्रोल्स ऐड किए। ये पहला कंट्रोल था जिसका नाम है डेटा ग्रिड 1 और उसका जो फैमिली है वो है डेटा ग्रिड। दूसरा कंट्रोल है इसका नाम है, आप देखेंगे
एडीओ डीसी वन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडीओ डीसी वन। तो ये था आपका दो कंट्रोल। अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर कोई भी डेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप रन करें तो वो जो टेबल था जिसमें संगम का डिटेल था और रानी का डिटेल था, दीपांशी का डिटेल था, वो यहाँ पर दिखे, तो मुझे कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको बंद करेंगे, लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले हम एडीओ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, एडीओ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी पेज ओपन होगा, इसमें चार टैब हैं, पांच। तो जनरल टैब में आप देखेंगे सोर्स ऑफ कनेक्शन, आपको यहाँ पर दिखेगा सोर्स ऑफ कनेक्शन। सोर्स ऑफ कनेक्शन में हमें सेलेक्ट करना है यूज कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ एक स्ट्रिंग लिखनी है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा लिंक प्रॉपर्टी पेज ओपन होगा। डेटा लिंक प्रॉपर्टी पेज में सबसे पहले पूछेगा प्रोवाइडर, तो हमें सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 OLEDB प्रोवाइडर, इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि MS एक्सेस में जो MDB फाइल होती है उसका जो कनेक्टिविटी होती है इसी प्रोवाइडर के साथ होता है। अगर आपको फॉक्स प्रो से कनेक्टिविटी करनी है, ओरेकल से करनी है, तो अलग अलग सबके प्रोवाइडर हैं। एक ACCDB के लिए अलग प्रोवाइडर होता है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जेट 4.0, नेक्स्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपका जो फाइल है वो कहाँ है। हमारा फाइल डेस्कटॉप में था DCA नाम से, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में जाएंगे, हमको DCA नाम से एक फाइल मिलेगी ये। अगर आप यहाँ पर MDB नहीं लेते हैं तो ये फाइल डिस्प्ले नहीं करेगी, यहाँ पर आप अटक जाओगे आके। इसको ओपन कर दिए, ये DCA का लोकेशन ले लिया। उसके बाद टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। अगर ये मैसेज आ गया इसका मतलब आपका कनेक्शन हो चुका है, डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग जनरेट होगी। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिंग जनरेट की गई है। ये स्ट्रिंग को टाइप नहीं करना है, जनरेट करना है, यानी कि ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। ऑथेंटिकेशन अगला स्टेप आते हैं। अगर आपके पास कोई डेटाबेस में पासवर्ड है तो यहाँ पर आप दोगे, नहीं तो नहीं, छोड़ देना है। अगला स्टेप है रिकॉर्ड सोर्स। अब आपने डेटाबेस तो पहुंच गया, लेकिन डेटाबेस में हमको कनेक्ट करना है टेबल से। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा ADCMD टेबल, आपको सेलेक्ट करना होगा ADCMD टेबल। ADCMD टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास जितने टेबल होंगे वो आ रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर दो टेबल आपको दिख रहा होगा, स्टूडेंट और टीचर। आपको जो टेबल से कनेक्ट करना है, हम अभी स्टूडेंट टेबल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट टेबल और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। कलर और इसको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने बेसिकली दो चीज़ें सेट की है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग और रिकॉर्ड सोर्स। यहाँ पे क्या सेटिंग है देख सकते हैं। अब ये वाला जो एडियो डीसी है वो डेस्कटॉप में रखे हुए डीसीए के स्टूडेंट टेबल से कनेक्ट हो चुका है। इससे इसको ध्यान में रख लेंगे, इसका दिमाग में रख लेंगे फोटो। ये अभी हमें विजुअल बेसिक में दिखाई देगा, संगम, दीपांशी और रानी। अब अगर मैं विजुअल बेसिक को रन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये एडियो डीसी तो कनेक्ट हो गया है, बट ये कनेक्ट नहीं हुआ है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है इससे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें आपका आएगा डेटा सोर्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखना है, आपको डेटा ग्रिड वन में जाना है, और डेटा ग्रिड वन की जो एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ADODC1। ADODC1 सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ऐसा एरो आ जाएगा, ठीक है, कर्जर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ADODC से कनेक्ट हो चुका है और ADODC डेटा से कनेक्ट हो गया है, इसको डेटा मिल रहा है। अब हम यहाँ पर रन करते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो उस वहाँ पे जो डेटा रखा हुआ था संगम 21 वाला, वो डेटा यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ रानी की जो एज है वो 20 है,
मैं इसको 18 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, विजुअल बेसिक में हमने रानी की एज 18 कर दी है, तो क्या एक्सेस के डेटाबेस में भी हो गया होगा? डेटाबेस ओपन करते हैं। यस, यहाँ पर 18 हो गया है। और मैं यहाँ पर अगर मैं 50 कर देता हूँ, तब देखते हैं वहाँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 104 ऐड कर दिया, अब विजुअल बेसिक ओपन करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वही रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो फॉर्म है वो कनेक्ट हो चुका है उस डेटाबेस से। इसको कनेक्ट करने के पीछे जो मेन रोल अदा किया है वो है एडीओ कंट्रोल, या इसको एडीओ डीसी भी बोलते हैं, एक्टिव एक्स डेटा कंट्रोल जो है ये डेटाबेस से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद हम उसको डेटा ग्रिड में देख सकते हैं, यानी कि इसके थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, और वो डेटाबेस है। इसके और डेटाबेस के बीच में है एडीओ डीसी। फिर से एक बार मैं स्टेप्स बता देता हूँ। आप एडीओ डीसी यहाँ पर बनाओगे, कैसे लाओगे, प्रोजेक्ट में जाओगे, कंपोनेंट्स में जाओगे। कंपोनेंट्स में आपको दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, इसका नाम मिल जाएगा आपको, है ना, एडीओ डेटा कंट्रोल और डेटा ग्रिड कंट्रोल। आपको ध्यान देना है यहाँ पर डेटा लिस्ट कंट्रोल, डेटा बाउंड लिस्ट, डेटा बाउंड ग्रिड अलग अलग दिया हुआ है। आप अगर गलती से इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, इसी को सेलेक्ट करना है, इसीलिए नाम अच्छे से याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, फिर एडीओ डीसी की प्रॉपर्टी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग में बिल्ड करेंगे, प्रोवाइडर में जेट, जेट का मतलब होता है जॉइंट इंजन टेक्नोलॉजी, जेट 4.0 OLEDB प्रोवाइडर। ये एक्सेस 2003 का ड्राइवर है जो MDB फाइल को कनेक्ट करता है, इसका काम है MDB फाइल को कनेक्ट करना। नेक्स्ट गए, लोकेशन सेलेक्ट किए, टेस्ट कनेक्शन किए, ओके कर दिए, स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। उसके बाद रिकॉर्ड सोर्स में गए, टेबल लिए, और यहाँ से उस टेबल को, अभी जैसे मैं टीचर टेबल ले लेता हूँ, अप्लाई किए, ओके कर दिया। अब जैसे ही रन करेंगे ना, तो यहाँ पे टीचर का डेटा आने लग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर का डेटा आ रहा है। तो ये था एडीओ डीसी का जो प्रोसीजर है वो, और एडीओ डीसी के स्टेप्स, ठीक है, बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर काफ़ी आसानी से याद हो जाता है ये, ठीक है।